हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी एवं हमारे चमत्कारी उपायों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एवं साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप समस्त प्रिय दर्शकों एवं प्रिय श्रोताओं का आपके अपने यूट्यूब परिवार पंडित अश्विनी चतुर्वेदी में। दर्शकों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए लेकर के कर्ज मुक्ति का बहुत ही दिव्य उपाय, गणपति जी का ये उपाय है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं एवं शुभ मंगलकर्ता भगवान गणपति जी हैं। और यदि गणपति जी ने चाहा तो आप अपने कर्ज से बहुत ही जल्द निजात पालेंगे, यानी मुक्ति पालेंगे। कर्ज मनुष्य कर्ज में डूब जाने के बाद मनुष्य को तमाम प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे समाज में सम्मान को भी खोना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मनुष्य यदि कहीं कर्ज ले लेता है और समाज में उसका जो है सामाजिक जो है स्तर बना हुआ है और वो उन कर्ज को नहीं चुका पाता तो लोग तमाम प्रकार की जो है उसकी बुराइयां जो है समाज में भी करते हैं, जिससे उसको अपमानित होना पड़ता है। और जब आप लेते हैं किसी से कोई चीज तो देने का भी आपको जो है पूर्ण कोशिश करनी चाहिए और आपको देना चाहिए। किसी से आप कोई वस्तु ले लेते हैं तो आपको उसको निर्धारित समय पे, यानी जिस समय पे आप देने के लिए गए हैं उस समय आपको चुका देना चाहिए, क्योंकि ये कर्ज जो है मनुष्य के ऊपर जो है लगते रहते हैं और इसका परिणाम जो है हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी जो है भुगतना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यदि पिता करोड़ों की संपत्ति बना करके और चला जाता है, उसका सुख कौन उठाता है? उसका औलाद उठाता है। और यदि पिता करोड़ों का या हजारों का या लाखों का, जो भी आप कह सकते हैं, यदि कर्ज लेकर के चला जाता है तो उसका भी परिणाम उसके औलाद को ही देखना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने कर्म के द्वारा, कहा जाता है कि कर्म से मनुष्य अपने भविष्य को भी अच्छा बना सकता है और कर्म के बदौलत ही अपने भविष्य को बहुत ही बुरा कर सकता है। इसलिए सदैव आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका कर्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजन पाठ करते हैं, बहुत सारी आराधनाएं करते हैं, बहुत सारे जप करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कारण है इसका, कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध बुरा है या आपके द्वारा किए गए कर्म बुरे किए जा रहे हैं, या आपने कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध में कुछ अनुचित कर्म किए हैं जिसका भरपाई इस जन्म में आप अपने अच्छे कर्मों, अपने सत्कर्मों के द्वारा जो है कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में तीन कर्म होते हैं, प्रारब्ध, सिंचित और क्रियमाण। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो आपने पिछले जन्मों में किया है, सिंचित का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कमाया गया कर, और क्रियमाण का अर्थ होता है जो हम स्वयं वर्तमान में अभी इस समय जो है कर रहे हैं। और आप यदि अपना क्रियमाण कर्म ही सुधार लेते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा ही अपने जो है भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कि आपको अपने कर्म पे बहुत विशेष ध्यान देना है कि कभी मुझसे कभी किसी का अहित ना हो, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं। नहीं कि हम उनसे जो है कर्ज ले रहे हैं और जब हमारे ऊपर दबाव आने लगा तब जो है हम उनके कर्ज को जो है चुकाने के बारे में सोचे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कर्ज लिए हैं उसी समय आपको जो है मन में संकल्प करना है कि मैं इनका कर्ज लिया हूं और इसको जो है बहुत जल्द से जल्द जो है चुकाऊंगा। आपको ये चीज अपने अंदर रखना है, नहीं कि हमने इनसे कर्ज ले लिया भैया तो देखा जाएगा, समय आएगा, तीसरा समय आएगा वैसा किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लिया है तो आपको चुकाना है। और कर्ज से मुक्ति, आज के इस उपाय में हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि गणपति जी स्वयं आपके कर्जों से आपको मुक्त कराएंगे। यदि आप गणपति जी को प्रसन्न कर लेते हैं
तो आप स्वतः अपने कर्जों से इतना आसानी से मुक्त हो जाएंगे कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि बड़ी दिव्य उपाय, ये बड़ी मतलब दिव्य चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। और आप जितना संभावनाएं अपने मन में सोचे भी नहीं होंगे, उतने प्रकार से आपके जीवन में जो है धन का जो है आगमन हो जाएगा कि आप अपने कर्ज को शीघ्र अति शीघ्र जो है चुका पाएंगे और अपने जीवन में सफल व्यक्ति हो जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेंगे। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य उपाय है कि आपको गणपति जी का प्रतिदिन पूजन करना है और भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, आपको दुर्वा भगवान गणपति जी को प्रतिदिन जो है चढ़ाना है और साथ ही साथ लाल मसूर होता है उसकी दाल जो है आपको किसी योग्य ब्राह्मण अथवा किसी योग्य भिखारी को ही दान करना है। योग्य ब्राह्मण का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया ही ब्राह्मण नहीं हो, उसका कर्म भी ब्राह्मण का हो, जो गायत्री का जप करता हो, पूजन पाठ करता हो, नित्य क्रिया से क्रिया को करने वाला हो, न कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, उसका जो है धर्म और कर्म दोनों ही ब्राह्मण का होना चाहिए, जो कि पूजन पाठ करता हो उसे आप जो है दान करें, लाल मसूर का दाल जो है दान करें और प्रतिदिन जो है गणेश जी को जो है दुर्वा अर्पित करें नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और इसके बाद गणेश जी को जो है दुर्वा कहीं से जो है साफ फ्रेश दुर्वा ले आए, फूल वगैरह भी माला भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा दुर्वा जो है गणेश जी को जरूर चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं या मोदक का भोग लगाएं गणपति जी को। और आपको इसको तब तक करना है जब तक आप अपने कर्ज से जो है मुक्त न हो जाए। पूजन पाठ खैर आपको करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन कीजिए, लेकिन आपको इन चीजों को बहुत विशेष ध्यान देना है कि गणेश जी को डेली दुर्वा चढ़ानी है और गणेश जी से जो है प्रार्थना करना है कि प्रभु आप तो रिद्धि सिद्धि के जो है दाता हैं, बल बुद्धि के विधाता हैं और आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए जिसके द्वारा मैं अपने कर्ज को बहुत जल्द जो है चुका सकूं। और भगवान गणपति से बिल्कुल जो है उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल जैसे आप हमसे बात करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं उस तरह से जो है भगवान से आप अपनी व्यथा को बताइए, वही करेंगे आपके कष्टों का निवारण। बस आपको इसको करना है और मसूर की दाल जो है दान करनी है किसी ब्राह्मण को और दुर्गा गणेश जी को चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है, बस आप इसको कीजिए, आप देखिए कर्ज से आपको मुक्ति बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफी हद तक अच्छा लगा होगा, तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारी किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप दक्षिणा दान करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमें जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं आप कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी, तो फिर आपसे बहुत जल्द बहुत अच्छे उपायों के साथ और बहुत दिव्य जानकारियों के साथ फिर पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव, जय श्री राम।